नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। शिवपुरी में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। यातायात बाधित करने वालों को चेतावनी देते हुए पुलिस ने बाइकों पर लगे हुटरों को भी हटवाया। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखकर पुलिस ने हाथ ठेला लगाने वालों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों में सुरक्षा के नजरिए से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही समेत अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। शिवपुरी में देखने में आता है कि कहीं कहीं चाट वालों में और ठेले वाले होते हैं, ये ठेले वाले हैं और फूल वालों ने भी और कहीं कहीं ये ट्रांसपोर्ट वालों ने भी अतिक्रमण करके रखा है, दुकान वालों ने भी अतिक्रमण कर रखा है। इनको कम से कम एक महीने से मैं बिल्कुल इनको जा के समझाया है कि अपना जो दुकान वालों को समझाया कि अपना जो सामान है सड़क पर ना रखें, अपने अंदर करें या अपना जो भी आपको करना है। इससे क्या आता है, बाधित होता है। सड़क पर सामान रखेंगे फिर उनके सामने जो दुकान वाला जो कस्टमर आता है वो गाड़ी अपना गाड़ी लगाता है, मतलब दोनों साइड में दुकान है, उससे जाम की स्थिति बनती है। चाट वालों को कई जगह बता दी है कि हम लोगों ने कि आप जो जगह चिन्हित की गई वहाँ आपका अपना लगाएं, उन लोगों ने इसको इग्नोर किया, समझा इस मतलब पूरे शहर में दी गई मेरे द्वारा। तो उसके शिवपुरी से बंटी यादव की रिपोर्ट न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज आज के साथ।